हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे हम सिप्ला कंपनी के बारे में। बेसिकली जैसे कि मैंने कल के दिन मैंने आपको बताया था, ये कंपनीज के कुछ शेयर टारगेट्स हैं फॉर दी मंडे के लिए, उसी तरीके से ट्यूसडे के लिए मेरे पास ऐसे 5 स्टॉक मैंने अपलोड ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं, अगर नहीं है तो कुछ टाइम बाद अपलोड हो जाएंगे। सो उसी तरीके से सिप्ला कंपनी यहाँ पे मेरे पास शेयर टारगेट्स हैं, कितना ऊपर साइड जा सकता है, रिकवरी करने के इसमें चांसेस हैं, ये स्टॉक में लाइक पोटेंशियल स्टॉक है क्या फिलहाल अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर शॉर्ट टर्म के लिए एक्चुअली। एंड कुछ लोगों को इसमें लाइक जो लोग इंट्राडे में या फिर ऑप्शंस में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, सो उनको ये रहेगा कि फिलहाल अभी इसमें इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, अपसाइड लाइक कॉल में या फिर पुट में अभी कर सकते हैं क्या। सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या कुछ लेवल्स हैं फॉर दी लाइक ट्यूजडे के लिए। सो यहाँ पे देखा जाएगा तो सिप्ला कंपनी का मैंने बहुत बार मैंने इसका दिया भी हुआ है खरीदने के लिए, बट अभी कुछ महीनों से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा लगभग स्टॉक में गिरावट हमको देखने को मिली है। ऑलमोस्ट जो स्टॉक है यहाँ तक गिरा कितना 1300 लगभग 1400 तक के शेयर के नीचे साइड यहाँ पे क्या गिरा था। एंड इसमें क्या रिकवरी हमको देखने को मिली, देन सडनली वापस शेयर गिरा बट वापस अपसाइड जा रहा है। सो अभी देखा जाएगा तो ये जो शेयर है लगभग 1600 तक जा सकता है इन शॉर्ट टर्म में, बिकॉज जिस तरीके से स्पीड स्टॉक ने पकड़ा सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या ट्यूजडे के दिन भी अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। आपको तो पता है कि सिप्ला कंपनी का 325 का इसका एक लॉट है, पर लॉट के पीछे भी अगर आपको 2 मिलता है मीन्स ऑलमोस्ट आपको कितना 750 का पैसा आप क्या दो लॉट के पीछे आप क्या अर्न कर सकते हो। बाकी आपको इतना क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगेगा, प्रीमियम प्राइस क्या चूज करें वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पे क्या लेवल्स रहेंगे फॉर दी मंडे के लिए, मैं आपको फॉर दी ट्यूजडे के लिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखना जाएंगे तो मैंने आपको एंट्री लेवल दी है इसके हाई के थोड़ा ऊपर साइड पे, एंट्री 1509 का, टारगेट है 1540.97 का, सॉरी 1528 का यहाँ पे क्या एग्जैक्टली मैंने क्या टारगेट क्या दिया हुआ है। एंड सपोर्ट मैंने कितना दिया 1487.80 का मैंने सपोर्ट लेवल क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो ब्लू लाइन है ये आपका कॉल का एंट्री का लेवल है, इक्विटी का एंट्री लेवल है, टारगेट जो है आपको सेम दोनों का दिया हुआ है। जो रेड लाइन है आपका पुट का लेवल है एंड इसका टारगेट थोड़ा बहुत नीचे साइड ही रहेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन आउट ऑलरेडी क्या किया हुआ है। अब यहाँ पे इसमें एंट्री कैसे क्या करनी ये मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो चार्ट है मैंने 15 मिनट का लगाया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिख रहा है 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। एंड 25 तारीख का, 22 तारीख का, 21 तारीख का जिस दिन मार्केट ओपन था उस दिन का पूरा यहाँ पे का कैंडल बना हुआ है 15 मिनट का। ओके, अब यहाँ पे प्रॉपरली इसको जूम आउट करते हैं। सो चलिए फॉर एन एग्जाम्पल 25 तारीख का यहाँ पे पकड़ लेते हैं। 25 तारीख का अच्छा खासा स्टॉक में गैप अप हमको देखने को मिला, पॉजिटिव मूवमेंट हमको इसमें क्या देखने को मिला सुबह में ही। अब यहाँ पे देखने जाएंगे कोई भी डे का पकड़ो, पर ट्यूजडे का ही पकड़ लो, अगर हमारा फॉर एन एग्जाम्पल ये फर्स्ट कैंडल हमारा बनता है, ओके फर्स्ट कैंडल जो हमारा बना है ना, इफ अगर आप इंट्राडे में या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करने जा रहे हो उनके लिए, ओके नॉट फॉर दी इक्विटी वालों के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया 1600 का आपका टारगेट रहेगा इफ अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इसमें डाल रहे हो तो। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई इंट्राडे वालों के लिए। अभी क्या यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली अगर आप देखोगे हमारा जो ये रेड कैंडल दिख रहा है 15 मिनट का सुबह का कैंडल, सो सेम एज इट इज जब ट्यूजडे के दिन पहला जो 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चार्ट 15 मिनट का रख लेना है, 15 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल बनेगा भले चीज जितना ऊपर जाए भले चीज जितना नीचे जाए आपको उसमें हाथ नहीं लगाना है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का फिक्स करके आप रख लीजिए। फिर आप 10 मिनट का यूज करें, फिर 5 मिनट का यूज करें, ये भी 15 मिनट का, क्योंकि मैं 15 मिनट का यूज करती हूँ, मुझे ज्यादा लाइक उतना ज्यादा हेडेक नहीं चाहिए, 5 मिनट में बहुत से मूवमेंट आते हैं सो प्रॉपरली वॉच कर जाता हूँ, मैं 15 मिनट का ही यूज करती हूँ। सो 15 मिनट का दिखा रही हूँ यहाँ पे। सो 15 मिनट का अगर पहला कैंडल बनता है, पहला कैंडल बना को हाथ नहीं लगाना है, सेकेंड कैंडल जब बनना स्टार्ट होता है, सेकेंड कैंडल अगर यहाँ पे क्या है इसके ऊपर बन के क्लोजिंग देता है, देन आप इसमें क्या कॉल आप बाइंग कर सकते हैं, इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। ओके, एंड सेम एज इट इज उल्टा है, सेम अगर ये कैंडल नीचे साइड लाइक ये पहले कैंडल को ब्रेक करता है एंड क्लोजिंग नीचे साइड नेगेटिव में देता है, देन आप इसमें क्या शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं इंट्राडे में एंड पुट आप बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज वहां से एक रैली आपको मूवमेंट क्या आपको देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे देखेंगे इसने यहाँ पे क्या सेकंड कैंडल जो बना ना ही ऊपर इसने क्लोजिंग दिया नहीं नीचे क्लोजिंग दिया, क्या इसको ब्रेक भी नहीं किया यहाँ पे, सो यहाँ पे हमारा एंट्री लेवल बनता ही नहीं, बिकॉज ऑलमोस्ट देखें तो स्टॉक साइडवे था एंड यहाँ पे थोड़ा एक सेलिंग देखने को मिला, बट इसका देखो पहले कैंडल का लो इसने क्या ब्रेक ही नहीं किया एंड वापस स्टॉक देखो थोड़ा बहुत ऊपर गया, तो पूरा जो स्टॉक था साइडवे ही था अगर आप मंडे के दिन देखने जाएंगे तो।
सो यहाँ पे क्या आपका एंट्री लेवल यहाँ पे क्या है बनता ही नहीं है इफ अगर आप प्रॉपरली वॉच करोगे तो। फॉर एन एग्जाम्पल चलिए यहाँ पे हमारा 25 तारीख का हो गया, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 22 तारीख का देख लेते हैं। ओके सो 22 तारीख का हमारा जो यहाँ पे बनेगा ना फर्स्ट कैंडल, चलिए 21 तारीख का था, 22 तारीख का हमारा जो पहला जो कैंडल यहाँ पे बना है ना पहला कैंडल ग्रीन में बना, ग्रीन में तो बना। सेकेंड कैंडल जो हमारा बना ना इसने क्या किया यहाँ पे क्या किया इसने इसको ब्रेक किया बट क्लोजिंग इसके बीच पे ही दे दिया। तो यहाँ पे आपको क्या प्रॉपरली वॉच करना था बिकॉज नीचे साइड भी गिर सकता था ना ये, तो यहाँ पे क्या आपका एंट्री बनता ही नहीं जब तक इसका हाई ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देता है कोई भी कैंडल, तब तक आपको कॉल में बाइंग नहीं करनी है। जैसे क्लोजिंग दिया आपको खरीदा आपने अच्छा खासा पॉइंट मिला एग्जिट मान लीजिए, उसके बाद भी देखो अच्छा काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे क्या देखने को मिला है। अगर लो ब्रेक करता क्लोजिंग नीचे साइड देता देन आप इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे, पुट भी आप बाइंग कर सकते थे। अब एग्जांपल के थ्रू आपको क्या मैं 21 तारीख का आपको दिखा देती हूँ। 21 तारीख का चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम, 21 तारीख का हमारा जो पहला कैंडल जो बनता है ये वाला है ना हमारा 21 तारीख का पहला कैंडल ये रहा। अब यहाँ पे देखेंगे सो जो हमारा कैंडल बना है रेड वाला कैंडल तो बना हमारा, बट यहाँ पे देखो स्टॉक ने इसको ब्रेक भी किया बट क्लोजिंग इसके नीचे यहाँ पे क्या नहीं दिया इसके आसपास ही दे दिया। सो हमारा एंट्री बनता ही नहीं बिकॉज यहाँ से स्टॉक देखें तो वापस बम्पर साइड जाके अपसाइड गया, एंड यहाँ पे भी देखो उसने ब्रेक तो किया बट ऊपर साइड क्लोजिंग दिया भी नहीं। सो यहाँ पे हमारा मूवमेंट बना ही नहीं। बाकी देखो दोपहर के टाइम पे स्टॉक ने क्या इसका लो ब्रेक करके क्लोजिंग नीचे साइड दिया, उसके बाद देखो थोड़ी बहुत रैली हमको यहाँ पे क्या नेगेटिव साइड में देखने को मिली है। सो मेरा बोलना यही मतलब फर्स्ट कैंडल जो 15 मिनट का बनेगा उसको हाथ नहीं लगाना है। सेकेंड कैंडल जो बनेगा अगर उसका हाई ब्रेक करता है ऊपर साइड क्लोजिंग भी ऊपर साइड देता है देन आप इसमें कॉल बाइंग कर सकते हो। ओके एंड सेम एज दैट इज इंट्राडे में भी आपको फॉलो करना है। फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का बना, अगर वो नीचे साइड ब्रेक होता है फर्स्ट कैंडल ब्रेक होता है दूसरे कैंडल से क्लोजिंग नीचे साइड देता है देन आपको एंट्री करनी है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दी, बाकी डिस्क्रिप्शन में क्या लेवल्स है क्या लेवल्स फॉलो करने डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली क्या मेंशन आउट किया हुआ है, एंड यहाँ पे आपको जो कलर्सफुल जो लाइंस आपको दिख रही ये आपका एंट्री लेवल है इफ अगर कल के दिन खुला, एंड ये हमारा बोल सकते हैं ब्लू लाइन कट हुआ एंड ऊपर साइड पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। फर्स्ट कैंडल को आपको हाथ नहीं लगाना, सेकेंड कैंडल पर ही आपको एंट्री करनी है। ओके सो प्रॉपरली ध्यान में रख के आपको सिप्ला कंपनी में क्या एंट्री करनी है। आई थिंक मैंने आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी लगानी है अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन में ट्रेड करने जा रहे हो। सो प्रॉपरली ध्यान में रख के ही आपको क्या ट्रेडिंग करनी है। बाकी मैंने इक्विटी वालों को बोल दिया ऑलरेडी 1600 का टारगेट आप पकड़ के चल सकते फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए बिकॉज यहाँ तक इसके जाने के चांसेस हैं, एंड इफ अगर ये लेवल ब्रेक करता है देन 1700 तक भी जा सकता है बिकॉज अगर प्रीवियसली देखा तो यहाँ तक गया था बट इसने क्या कि यहीं से वापस घूम गया। सो वापस 1600 तक जाएगा या फिर लोअर एंड लो बनाएगा या फिर हायर एंड हाई भी बना सकता है ये स्टॉक। सो ध्यान में रख के आपको इसमें क्या एंट्री करनी है। इक्विटी के लिए मैंने बोल दिया 1600 का टारगेट आपको पकड़ के आपको चलना है। सो ये थे सिप्ला कंपनी के लेवल्स, एंड आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।